साबका सीएम दे कोलों तकरीबन 7 घंटे तक होए सवाल जवाबा दी। जी हाँ, साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे कोलों आमदन तो वध जायदाद होण दे इल्जाम तहत विजिलेंस दे वल्लों तकरीबन 7 घंटे तक पुछगिछ की गई है। तो पुछगिछ तो बाद जिवें चरणजीत सिंह चन्नी बाहर निकले तो सरकार ते वरदे होए नज़र आए ने। ये जिहड़ी मौजूदा भगवंत मान की सरकार है, ये मुगलों की सरकार नालों भी बदतर होके पेश आ रही है और हर तरह का तरीके दे नाल जलील करन दी, बदनाम करन दी और बेइज्जती करन दी कोशिश कर रही है और कर भी रहे हैं। जो इन्होंने करना मेरे नाल कर लवे, मेरे पास जो है वो मैं थोनू दस चुके हैं। इस तो अलावा जो कोई होवे तो मैं जिथे कहे सरकार दे नौकर नूं तैयार है। जेड़े कहिंदे सी इहदे पर 170 करोड़ की जायदाद है, दसन हुण कित्थे है। परमात्मा जिंदगी बख्शे, मैनू मार नहीं सकते, कोशिश जरूर करनगे। मैं कहता है कि केसा कुसा नाल नहीं कुछ बनना, जे करना है जे तुहाते हो सकता है तां फिर मूसे वाला काम करके देख लो, होर तुहाते कुछ नहीं होना मेरा। तां जी हाँ, साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ते वरदे नज़र आए ने। ही कहते नज़र आए ने कि तुसी मैनू डरा नहीं सकते, हाँ मेरे नाल ओह जरूर कर सकते हो जो मूसे वाले दे नाल होया। हुण तुहानू ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाउंदे आ कि आखिर साबका सीएम ते इल्जाम की लगे ने। जी हाँ, साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते आमदन तो वध जायदाद होण दे इल्जाम लगे ने। ते पूरा मामला दास्तान ए शहादत थीम पार्क के उद्घाटन समागम के नाल जुड़िया होया है। दरअसल नवंबर 2021 च बतौर सैर सपाटा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक समागम करवाया सी। समागम के खर्चों च 1,47,00,000 रुपए के कपड़े के इल्जाम लगे ने कि समागम के खर्चों च ही चन्नी दे वल्लों अपने पुत्र के विआह के खर्चे के बिल दिते गए। समागम के लिए ते विआह के लिए इको केटरिंग कंपनी नूं ठेका दिता गया ते टेंडर देण की प्रक्रिया भी महज 1 दिन च ही पूरी कर दिती गई। इत्थे ही बस नहीं, इल्जाम तो इतों तक लगे ने कि कलाकारों भी 20 to 100% ज़्यादा फीस दी गई। समागम दौरान चाह के कप की कीमत 2,000 रुपये तक विखाई गई है। उत्थे स्टेज से लाइटिंग के लिए 97,00,000 का टेंडर बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए हुए दिता गया है, अजिहे इल्जाम लगे ने। तुहानू दस दईए कि बठिंडा के वसनीक दे वल्लों पाई RTI राही होए खुलासे नूं इस शिकायत का आधार बनाया गया है।